हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज आप हमारे रूम की हालत देख ही सकते हो, बिकॉज आज लक्ष्य ने डिसाइड किया है कि उनकी बियर्ड और उनके बाल मैं करने वाली हूँ। मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ आता वाता नहीं है, बस मैं ट्राई करने वाली। बाल का रिस्क तो मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि एक बार ही तो मैंने ये रिस्क, बियर्ड का मैं फिर ले लूंगा, बाल का तो नहीं लेने वाला। हो जाएगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बालों का तो डाइसी है, शायद हम करें शायद ना करें, बट बियर्ड तो कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं रूम की हालत, यहाँ मैं बैठने वाला हूँ एंड वेरोनिका इज देयर। रूम बड़ा मैसी हो रखा है इस समय, अभी साफ होना ही है तो क्यों भाई, क्यों चलो। तो आई एम रेडी। अभी आप देखो मेरी शेव आई हुई है इतनी, एंड देखो काफी टाइम से बोल रही है वेरोनिका कि यार करवा लो, प्लीज करवा लो, बट एज यू ऑल नो लॉकडाउन है तो बाहर जाना है अभी इट्स नॉट वाइज। तो सोचा घर पे ही मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ शेव, धीरे धीरे आ जाएगी, फिर जब तक प्रॉपर आएगी तब तक आई होप सब कुछ खुल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डर लग रहा है भाई, कैसे करे कैसे ना करे, आराम से करियो प्लीज। डर लग रहा है भाई बहुत। तो मैं ऐसा क्या करूं, क्लीन शेव हो जाऊंगा ज्यादा और क्या होगा। सो शेव हो गई है, अब हेयर कट ट्राई हो रहा है, आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड। ज्यादा बाल नहीं काट रही, छोटे छोटे काट रही है, बट स्टिल मुंह पे ना आए बस। जोकर बनाने वाली है आज ये मेरे को। देख क्या खराब कटे हैं, ठीक कटे हैं। तो ये है फाइनल रिजल्ट, अभी शेव पूरी क्लीन हो चुकी है जैसा आप देख सकते हैं, एंड बाल यहाँ से थोड़े से वेरोनिका ने काटे, मैंने ज़्यादा नहीं काटने दिए, बिकॉज फिर पता नहीं ये जो थोड़े बाल पीछे भी जाके सेट हो रहे हैं ये हो पाते या नहीं हो पाते। एंड अभी हम बस रेडी हो गए हैं और थोड़ी बहुत रील्स की शूटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स आपको देखने को मिलेंगी। दोज ऑफ यू हु हैव नॉट बीन फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, गो एंड फॉलो अस राइट नाउ, आर हैंडल नीचे दिख रहा होगा आपको। सो वेरोनिका रेडी हो रही है। हाँ जी, कितनी देर लगेगी? थोड़ी सी देर लगेगी। ठीक है, मैं रेडी हो चुका हूँ। मैं हमेशा पहले ही रेडी हो जाता हूँ यार, सबसे पहले रेडी होके खड़ा हो जाता हूँ। सबसे ज्यादा टाइम वेरोनिका लगाती है। तो अब हम जा रहे हैं अपने कैमरामैन के पास, हमारी दादी जो हमारी अभी रील्स की शूटिंग करने वाली हैं, मतलब शी विल रिकॉर्ड आर वीडियोस। सो लेट्स गो, दादी को बोलने की दादी रेडी हो जाओ हमारी वीडियोस बनाने के लिए। सो दादी, अभी हम ना इंस्टाग्राम की रील्स बनानी है तो आपको हमारी वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, ओके जी, डन डन। तो आप फटाफट आप भी तो रेडी हो जाओ दादी, थोड़ा बाल वाल सेट कर लो, आप करते तो बाल सेट इतने बढ़िया। हाँ, आज बढ़िया। कैमरे पे आ गए आप बिना बाल सेट करे, कोई बात नहीं। तो दादी यूजुअली बाल वाल एकदम सेट करके बिल्कुल प्रॉपर कैमरे पे आती हैं, आज निकाल के तभी दादी पास आती है। आज मैंने दादी को पहले बताया नहीं कि मैं दादी की आ रहा हूँ दादी को रिकॉर्ड करने की दादी, तो इसलिए दादी तैयार नहीं हुई है। लगता है किसी को मेरी बातों का असर हो गया है। दादी इज गेटिंग रेडी फॉर द कैमरा। यस,
तो अब आपने ये क्लीन शेव तो देख ही लिया, आई एम श्योर मैं भी रेडी हो गई हूँ फॉर माई रील्स. लेकिन गाइज अभी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज लेफ्ट, दैट इज द सरोज नगर हॉल. सो स्टे ट्यून्ड, एंड तक वीडियो देखना तभी पता लगेगा मैं क्या लेकर आई, कितने का लेकर आई. आई एम श्योर एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट. तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं रील्स बनाने, फिर उसके बाद वील टेल यू द सरोजिनी नगर का जो भी हम खरीद के लेकर आए. तो बेसिकली हम मिनी सरोजिनी नगर हॉल. स्टे ट्यून्ड गाइज. आई नो इस पार्ट के लिए तो बहुत सारी लड़कियां आई एम श्योर व्लॉग में वेट कर रही होंगी कि कब वेरोनिका विल शो अस द सरोजिनी नगर हॉल, क्या क्या वो लेकर आई, कितने का लेकर आई. आई नो एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट दिस पार्ट ओनली. बाकी लक्ष्य की बेड वेड के लिए तो आई डोंट थिंक सो, पीपल मस्ट बी एक्साइटेड और होंगे भी तो अच्छी बात है. बट मतलब तो मेरी बेड के लिए क्यों नहीं होंगे एक्साइटेड, मेरी क्लीन शेव कुछ नहीं यार. लेकिन देखो ना कपड़ों के लिए तो लड़कियां एक्साइटेड होती है ना, मैं भी होती शायद. अगर मैं किसी का देख रही होती तो मुझे होता कब पता लगेगा यार क्या लेकर आई है, कितने का लेकर आई है. मेरे साथ मेरे मन में भी ये चीजें होंगी. चलो लेट्स डाइव इनटू द क्लोथ्स नाउ. यस, सो मेरे पास सिर्फ एक घंटा था और एक घंटे के अंदर आई बॉट 7 थिंग्स फ्रॉम सरोजिनी नगर. सिर्फ एक घंटा था, तो सोचो मेरे पास 2 घंटे होते, 3 घंटे होते, फॉर दैट मैटर पूरा दिन होता तो मैं कितना कुछ ले आती. एंड आई गाइस टेल, मैंने सिर्फ और सिर्फ हार्डली 750 rupees 800 तक की शॉपिंग करी है. सुपर मैंने कोई एक रुपया भी नहीं खर्चा गाइस, एक रुपया भी नहीं. मैं लॉकडाउन से पहले गई थी तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर आई. बट वैसे हमने पहले भी दिखाना था, हम लेट हो गए गाइस. मैं कभी कुछ तो ठीक है. अब मेरे को लगा कि अब मुझे दिखा देना चाहिए मैं क्या क्या लेकर आई. और द बेस्ट पार्ट इज मैंने अब तक पहना भी नहीं है, तो मेनी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट. एग्जैक्टली. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन, आई विल शो यू गाइस. सो दिस इज अ शर्ट, इट इज अ सैटिन शर्ट. मैं इसको ओके तो मुझे ये मिल रही थी फॉर 450 rupees. मैंने बहुत देर तक लग लग के बार्गेनिंग करी तो मुझे ये मिली फॉर 200 rupees. वाओ, दैट्स अ गुड बार्गेन. हां, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल शर्ट आल्सो और कलर भी बहुत प्यारा था, तो इसलिए. सो दिस वन थिंग. एंड देन दिस वाज फॉर 200. एंड देन आई गॉट दिस यू नो अ लिटिल बिट ऑफ प्रिंटेड टाइगर काइंड ऑफ टॉप ही हो गई. ये ब्लैक डेनिम के साथ बहुत ही प्रिटी लगता और वाइट के साथ भी बहुत अच्छा लगता, तो मुझे अच्छा लगा. एंड इट इज जस्ट फॉर रुपीज 100 का ही था ना. हाँ, जस्ट फॉर 100. तो 200 + 1 दिस इज फॉर 100. बट मेरे ख्याल से उन्होंने मांगा ज्यादा थे इसके. हाँ, दे आस्क फॉर 200 आई गेस. हाँ, सो द नेक्स्ट थिंग इज गाइज दिस टॉप, इट वॉज लुकिंग गुड. मतलब इट इज अ टाई वाला चीज, जो नीचे से टाई हो जाती है ना शर्ट, वैसे टाइप का ये ट्रांसपेरेंट से टॉप है. इसके नीचे यू कैन वेयर अ ब्रालेट ऑल्सो, या फिर आप स्पेगेटी पहन सकते हो, तो इट विल लुक वेरी नाइस. ये मुझे बहुत ही सही पड़ा. जस्ट फॉर 50 rupees. ही वॉज आस्किंग फॉर 150, बट आई गॉट इट फॉर 50 rupees. क्या बात है यार. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ये मुझे बहुत, इट इज माई पर्सनली फेवरेट टॉप. ये मुझे बहुत पसंद आया. मतलब मैं इन भैया के पास कम से कम 2 से 3 बार चक्कर लगा चुकी थी, बट वो प्राइस नहीं बना रहे थे तो मैं इसलिए उनके पास ले नहीं रही थी. तो ये मेरे को पड़ा फॉर 150 rupees. ही वॉज आस्किंग 400 rupees फॉर दैट, बट मैंने सिर्फ 150 दिए. बहुत देर बार बार उनको भी लग ही गया था अब ये तो लेकर ही जाएगी. सो इट्स अ फुल स्लीव शर्ट. एंड आगे से इफ यू गाइस कैन सी, सो कैन यू जस्ट शो देम कि तो आगे से इट्स अ बटन काइंड ऑफ शर्ट ऐसे करके. तो इट इज़ वेरी प्रिटी. इसके साइज के इसको आप पहन सकते हो ब्लैक कलर की डेनिम के साथ, वाइट के साथ, ब्लू के साथ भी अच्छा लगेगा, डार्क ब्लू के साथ विल गो. सो दिस इज फॉर 150. ओके, सो नेक्स्ट इज दिस प्लेन ब्लैक स्पेगेटी काइंड ऑफ टॉप. सो दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. इट इज फॉर 100 rupees. इससे कम भैया कर ही नहीं देते, बट मुझे बहुत पसंद आ रहा था तो मैं छोड़ने का मन नहीं था. ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब बेसिक है और ये आई गेस किसी के साथ भी चला जाएगा. ये इसके ऊपर आप शर्ट पहन सकते हो, इसको आप जेगिंग्स, जीन्स, किसी स्कर्ट्स वर्ट्स किसी के भी साथ कैरी कर सकते हो. तो इट इज फॉर 100. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज माई फेवरेट. आई गॉट दिस क्यूट स्कर्ट, प्लीटेड स्कर्ट. इट इज फॉर 200 rupees. एंड इसके पे तो मेरी आंख ही अटक गई थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था मैं इसको छोड़ दूं. तो मेरे पास एक घंटा था एंड गाइज मैंने एक घंटे में 7 pair ऑफ क्लोथ्स खरीदे. तो आई टेल यू गाइज दिस इज फॉर 200. सो 200 एंड दिस इज फॉर 100 300 राइट. दिस इज फॉर 150 450 दिस इज फॉर 50 rupees 500 ओके. दिस इज फॉर 100 600 एंड दिस आई गॉट फॉर 200 800 तो 800 में आई गॉट 7 clothes. So wow. I am sure you guys liked this छोटा सा क्यूट सा हॉल ऑफ सरोजिनी नगर.
एंड मैंने तो बस इतना ही खरीदा है, आई एम वेटिंग कि लॉकडाउन कब खत्म हो सो दैट आई कैन गो एंड बाय सम मोर। और वन मोर थिंग अभी हम वी आर डिसाइडिंग, हम इंस्टाग्राम पे रील डालने वाले हैं वेरोनिकाज सरोजिनी नगर हॉल टाइप कुछ करके, वेयर शी विल वेयर ऑल द आउटफिट्स, आई विल यू नो स्टाइल देम, हर एक टॉप पर हर एक चीज को आई विल स्टाइल इट एंड आई विल मेक अ रील ऑन इट, सरोजिनी नगर हॉल ऑन इंस्टाग्राम। सो इफ यू गाइस वांट टू सी दैट रील ऑन इंस्टाग्राम देन गो एंड फॉलो। वैसे बहुत ज्यादा प्रमोशन हो गया हमारा इंस्टाग्राम का, पहले भी मैंने बोला गो फॉलो, बट स्टिल यू वांट टू सी अस देयर, सरोजिनी नगर रील, देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम द अरेंज सोल एंड वी विल मेक रील्स देयर। अब हम डिनर विनर कर चुके हैं, हमारा पेट बहुत भर चुका है, मैं तो सोने जा रही हूँ, ये भाई साहब अब रात को जागेंगे क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे कुछ, क्योंकि इन्हें नींद नहीं आई है मुझे, पर मेरे को भी नहीं आएगी नींद क्योंकि मैं दोपहर को सो गई हूं। मैं भी सो जाऊंगा यार, टाइम से सो जाऊंगा, बिकॉज मेरे को ये है कि मैं सोच रहा था एडिटिंग कर लूं, जो अभी ये व्लॉग है उसकी मैं एडिटिंग कर लूं एंड अपलोड करके सो, पब्लिश कल कर दें बट अभी अपलोड करके सो, बट लेट्स सी क्या होता है। सो होप यू गाइज लाइक द व्लॉग एंड आई एम श्योर यू लाइक द यू नो सरोजिनी नगर हॉल, so do let us know more in comments that what kind of videos you want, also Sarojini Nagar reel I'll be posting on Instagram, so don't forget to follow us on Instagram also, teesri bar promotion Instagram ka aap kar lo, don't forget to like share and subscribe and aur maine ye lakshya ki shirt pehni and press that bell icon, yes abhi jaake please kar do press, yes bye guys bye guys।